आदाब नाजरीन, S24x7 में आपका खैर मकदम है। हर खबर पर हमारी नज़र, जो पहुंचाए अब तक सच्ची खबर। आइए देखते हैं आज की खास खबर। को वृंदावन कॉलोनी में हुआ था। ये वृंदावन कॉलोनी में रात में 1 बजे के टाइम पे वो कॉम्प्लेनेंट आनंद बंगड़ अपना करंट चले जाने से क्या करे, वो डोर्स ओपन करके सो गया। उसमें एक मोहम्मद यूनुस बोलकर एक चोर अंदर घुस के दो सैमसंग फ़ोन, एक नोकिया फ़ोन और एक 500 रुपया पूरा टोटल वर्थ 10,000 का चोरी करके ले गया। उसमें हम लोग वो एक ब्लू कलर नोकिया सेल फोन भी बरामद करे और एक शाइन बाइक, वो ऑफेंस में यूज़ करे थे शाइन बाइक भी हम लोग उससे बरामद करे। उसके पास इसके अलावा और 4 सेलफोन भी हम लोग बरामद करे, वो अनक्लेम्ड कहाँ करे बोलकर वो नहीं बता रहा। हाँ, ये पूरा इतना जल्दी ये पूरा ऑफेंसेस को डिटेक्ट करने वाले हमारा मैलादेवनपल्ली पुलिस स्टेशन लिमिट्स की SHO नसीमा के लीडरशिप में DI राजेंद्र गौड और उसका टीम कुमार गौड़, सब इंस्पेक्टर राघव रेड्डि, वेणुगोपाल रेड्डि कांस्टेबल्स, भीमय्या चंद्रशेखर, के मोहन, डी अशोक, ए यादय्य, बी सुरेश, पी श्रीनिवास, एस सुशीला, पी श्रीनिवास, नागराज, महेश, राजा राव, शेख राजा, ये पूरे बहुत अच्छा काम करे, इसलिए हम लोग एक 2 केसेस भी डिटेक्ट करने में हम लोग कामयाब हैं। थैंक यू। मैलादेवन पुलिस स्टेशन लिमिट्स में ये महीना 12 तारीख को एक राबरी केस हुआ था। ये राबरी केस में गाड़ी पे क्लीनर था, उसके पास से ओप्पो फोन छीन मुस्कुर डरा के ओप्पो फोन छीन के ले गया। एक केस में कॉम्प्लेंट गायकर गणेश है, वो जैना महाराष्ट्र का है, जालना महाराष्ट्र का है ये। वो गुजरात से टाइल का लोड लेके आके घटकेसर के पास अनलोड करके वहाँ से लेके आके इधर तेलंगाना वे ब्रिज के पास आरामगढ़ में रखे। रखने के बाद रात में 2:30 बजे के दरमियान एक बंदा आके उससे क्लीनर से 10 रुपये मांगे। क्लीनर 10 रुपये देने के बाद एक 10 मिनट में फिर एक 3 बंदे इससे मिलके पूरा 3 बंदे आके और क्लीनर को नीचे उतार के उससे ओप्पो फोन खींच के लेके गया। इसमें हम लोग एक राबरी केस बनाया था। इसमें 3 अफेंडर्स को हम लोग पकड़े, उसमें सैयद उमर, सैयद जाफर और एक जुवेनाइल अफेंडर भी है इसमें। अब ये सैयद उमर से हम लोग ये ओप्पो मोबाइल फ़ोन और ये लोग ये ऑफेंस करने में ऑफेंस में एक मोटर बाइक का भी इस्तेमाल करे भागने के टाइम पे। वो मोटर बाइक भी ये लोग जीडमेटला पुलिस स्टेशन लिमिट्स में चोरी करे सो है। वो मोटर बाइक का वहाँ 514/2021 में एक केस भी रजिस्टर हुआ। ये पहला केस है और इसमें सैयद उमर इससे पहले 2 चोरी केसेस में बालापुर में ऑफेंस करे 2019 में, और सैयद जाफर ने पूरा 4 केसेस इसके ऊपर, 2 आर्म्स एक्ट केसेस और 2 चोरी केसेस है इसके ऊपर, और एक JCL है वो भी एक छोटा सा चेन सेलफोन स्नैचिंग केस में अरेस्ट हुआ सा है। ये केस आने के बाद और एक केस